सूझबूझ का नमूना। मुगल बादशाह बाबर को जब तेनालीराम की हाजिर जवाबी और अकलमंदी का पता लगा तो उसने राजा कृष्णदेव राय को पत्र लिखा कि वो तेनालीराम को एक मास के लिए उसके पास भेज दें। वो तेनालीराम की हाजिर जवाबी और सूझबूझ का नमूना देखना चाहता है। उसके बाद बादशाह बाबर ने अपने दरबारियों को ताकीद की कि कोई भी आदमी तेनालीराम की किसी बात पर न हंसे। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को विदा करते समय कहा, तेनालीराम, तुम्हें दिल्ली जाकर अपनी सूझबूझ से इनाम प्राप्त करना है। यदि तुम ऐसा न कर पाए तो तुम्हारा सिर मुड़वाकर दरबार से बाहर निकाल दिया जाएगा। दरबार में पहुंचकर तेनालीराम ने अपनी बातों से बादशाह को और दरबारियों को हंसाने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई न हंसा। ये क्रम 15 दिन तक चलता रहा। हर बार तेनालीराम असफल रहा। 16वें दिन से तेनालीराम ने दरबार जाना छोड़ दिया। एक दिन बाबर शहर को निकला तो उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ा आदमी पौधा लगा रहा है। बादशाह ने पूछा कि वो ये पौधे क्यों लगा रहा है जबकि वो इनके फल खाने को जिंदा न रह सकेगा। बूढ़े ने उत्तर दिया कि यदि मैं फल न खा सका तो मेरी औलाद खाएगी। मेरे पिता ने भी यही किया था। बादशाह ने उसकी बात पर खुश होकर 100 अशर्फियों की थैली इनाम में दी। बूढ़े ने धन्यवाद के साथ थैली स्वीकार करके कहा कि बादशाह सलामत ने पहले ही मेहनत का फल दे दिया। बादशाह ने उसकी बात पर खुश होकर 100 अशर्फियों का थैली और इनाम में दी। बूढ़े ने थैली पाकर फिर कहा, पेड़ तो साल में सिर्फ एक बार फल देगा, लेकिन जहांपनाह ने तो 2-2 बार फल दे दिया। बादशाह ने प्रसन्न होकर एक थैली और इनाम में दी और अपने नौकरों से कहा, जल्दी चलो नहीं तो हमारा खजाना खाली हो जाएगा। सुनते ही बूढ़े ने अपना चोला उतार दिया। वो कोई बूढ़ा नहीं, तेनालीराम था। बादशाह तेनालीराम की सूझबूझ से बहुत खुश हुआ।